हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर। आज के वीडियो में मैं कुछ आपको नया नहीं सिखाऊंगा, मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको एक टिप दूंगा जिससे आप अपनी फ्लुएंसी, अपने इंग्लिश की फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने इस पे बहुत काम किया और मैंने ये यूज किया है। दो आई वॉन्ट से दैट आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट इंग्लिश एंड आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू दैट आई कैन हैंडल प्रीटी मच एवरी सिचुएशन आई एम इन एंड आई कैन स्पीक फाइन इंग्लिश व्हेन एवर आई एम पुट इन एनी सिचुएशन। आई कैन स्पीक फाइन इंग्लिश, आई कैन मैनेज। सो हाउ टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस। सी, जब मैंने अपनी इंग्लिश बोलना शुरू किया था अपनी शुरुआती स्टेज पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने शुरू में टेंसेस सीखे, इंग्लिश में क्या क्या होता है सब सीखा, मैं सेंटेंस बना लेता था, लेकिन इंग्लिश में एक फ्लुएंसी कभी मेरे पास नहीं थी कि एक आप फ्लुएंटली इंग्लिश जैसे बोलते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसका बिल्कुल आराम से एफर्टलेसली जवाब देना वो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन इसके बाद फिर मैंने इस एक टिप पे काम किया और उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, तो मैं वो आपको टिप बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केवल इस टिप से आपका हेल्प नहीं होगा, आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, आपको टेंसेस का पता होना चाहिए, आपको बेसिक जो इंग्लिश हमारी यूज होती है उसका आपको आइडिया होना चाहिए। अगर कोई आपको कुछ लिखने को कहे तो आप ठीक ठाक लिख लो, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए इंग्लिश में और बिल्कुल एफर्टलेसली बोलना, एकदम बिल्कुल लाइक स्ट्रीमलाइन वाटर की तरह कहना है, तो कैसे कहेंगे? देखिए, आपको क्या करना है, एवरीडे हर रोज आपको स्टोरी, एक स्टोरी पढ़नी है इंग्लिश में। ऑफकोर्स आप क्या करेंगे कि या तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मोरल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, मोरल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो मोरल स्टोरीज होती हैं उनकी या तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप मार्केट से बुक बाय कर सकते हैं। पंचतंत्र की बुक्स होती हैं, चंपक है, नंदन है, बच्चों वाली बुक, क्योंकि इसमें बड़ी सिंपल इंग्लिश होती है, नॉवेल्स नहीं, स्टोरी बुक्स, ओके, इसमें छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं। अब आपने क्या करना है, देखो आपने डेली एक स्टोरी पढ़नी है, एक पर्टिकुलर टाइम अपने लिए निकालो कि इवनिंग में डिनर करने से पहले या सुबह उठने के बाद कभी भी हाफ एन आवर आप निकालो अपने पूरे टाइम से, 15-20 मिनट में आपकी स्टोरी कंप्लीट होगी, आप उसे पढ़ना। सबसे पहले स्टोरी आप एक बार पढ़ना, उसमें जो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लगेंगे उन डिफिकल्ट वर्ड्स को आप अंडरलाइन करना और उसके मीनिंग्स देखना। इस तरह से पहली बार स्टोरी पढ़ने में टाइम लगेगा। फिर वही स्टोरी आप दोबारा पढ़ना तो अब आप उस स्टोरी को जल्दी पढ़ लेंगे। दो बार आपने स्टोरी पढ़ ली, इसके बाद उस बुक को रखो साइड में और बिल्कुल एकदम अटेंशन में बैठ जाओ, ठीक है, प्रॉपर पोस्चर लेके बैठो और उसके बाद आप वही स्टोरी बोलने की कोशिश करो। अगर आपके घर में कोई और है जो इस स्टोरी को सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप उसको सुना सकते हो, नहीं तो आप वही स्टोरी इंग्लिश में आप दोबारा उसको बोलने की कोशिश करो। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, शुरुआत में आप स्टोरी को बोल नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में आप स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपने स्टोरी पढ़ी, उसके बाद बुक साइड में रखी और वही स्टोरी को आपने प्रैक्टिस करना है बोलने की। अगर आप ये एक महीने तक करते हो तो आप एक महीने में अपने इंग्लिश में एक रिमार्केबल चेंज देखना। बट डू इट एवरी डे, डोंट स्किप इवन अ सिंगल डे, यू हैव टू डू इट एवरी डे एंड डू इट फॉर 1 month एंड देन सी द रिजल्ट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो एंड राइट इन द कॉमेंट बॉक्स कि यस आपको फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, या आप उसमें लिख लेना। बट एक बार आप इसे करके देखना, आई ट्राइड दिस एंड आई गॉट द बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड आई एडवाइज यू टू डू द सेम। ऑलराइट, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।